नमस्कार आप देख रहे हैं एस पी एन नाइन न्यूज़ एस पी एन नाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा परिहार आपको बता दें कि अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी को लेकर आज हम बात कर रहे हैं हालांकि स्मृति ईरानी हमेशा कोई भी प्रोटेस्ट होता है बीजेपी की तरफ से तो सबसे पहले सड़कों पर नज़र आती है अगर मैं बात करूँ यहाँ दो से पहले तो दो से पहले सिलेंडर और महंगाई को लेकर कोई दिन ऐसा नहीं चाहता होगा जिस दिन स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठती ना नजर आई हो लेकिन 2014 के बाद जब सरकार आई यहाँ पर तब तो महंगाई भी हुई बेरोजगारी भी हुई गैस सिलेंडर भी महंगे हो रहे हैं अगर हम आज की बात करें तो आज भी गैस सिलेंडर साढ़े ग्यारह सौ रुपये का है लेकिन स्मृति ईरानी अब सड़कों पर नजर नहीं आती है या तो स्मृति ईरानी के घर पर गैस का यूज़ ही नहीं होता है या फिर उनके यहाँ पे सिलेंडर का आगमन नहीं होता है इसी बीच आपको बता दें कि अमेठी की जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है जनता से जानने की बात की थी कि आखिरकार जनता का क्या कहना है क्या जो उनकी सांसद है वो अच्छे से काम करती आई हैं या नहीं दो में भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव के दौरान जब काफी न्यूज चैनल है जो जमीन पर उतरे थे एस पी एन नाइन न्यूज की टीम भी जमीन पर उतरी थी तब जनता ने ऐसे ऐसे वाक्य बताए कि शायद उन्हें सुनकर आपके और हमारे कान भी कहीं ना कहीं हैरान हो गए थे सुनकर कि वाकई में उत्तर प्रदेश की अमेठी में ऐसा होता है बता दें आपको कि 2019 के चुनाव हार जाने के बाद राहुल गांधी के बाद स्मृति ईरानी वहां से सांसद उठी थी और स्मृति ईरानी ने वहां पर कहने को अमेठी की जो सांसद है वो स्मृति ईरानी है लेकिन अमेठी की महिलाएं कतई सेफ नहीं है अमेठी की महिलाओं ने बताया कि हम रात रात को खेतों में काम करने जाते हैं लेकिन हमारी सिक्योरिटी का कोई यहाँ पर आ, कोई सुरक्षा हमें नहीं दी जाती है कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बहन बेटी अगर खेतों में जाती हैं तो वो कभी वापस ही नहीं, नहीं आती ऐसी कुछ कहानियां हमें सुनने को वहां पर मिली इसी बीच आपको बता दें कि अमेठी में संजय गांधी हॉस्पिटल को लेकर भी तीन से चार दिन पहले काफी ज्यादा बवंडर हुआ था हॉस्पिटल को लेकर क्योंकि वो हॉस्पिटल कहीं न कहीं कांग्रेस का है सोनिया गांधी उसकी ट्रस्टी है और इसी हॉस्पिटल को लेकर स्मृति ईरानी काफी ज्यादा बवाल मचाती नजर आई थी फिलहाल के लिए इतना ही फिर आपसे मुलाकात होगी कि किसी दूसरे मुद्दे पर तब तक के लिए देखते रहिएगा एस पी एन न्यूज धन्यवाद